शोहर का कत्ल करके टुकड़े करने के इल्ज़ाम में मकतूल की अहलिया और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मकतूल की लाश के टुकड़े मुख्तलिफ मकामात से बरामद हुए। मीडिया के मुताबिक पुलिस का कहना है कि कत्ल का वाकया 30 मई को पेश आया था, ताहम पुलिस ने अब तक मकतूल की लाश के 6 टुकड़े बरामद कर लिए हैं जबकि मजीद की तलाश जारी है। भारतीय पुलिस के मुताबिक पूनम ने बेटे के साथ मिलकर शोहर अंजन दास की लाश के टुकड़े करने के बाद फ्रिज में रखे और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ठिकाने लगाना शुरू किया। पुलिस के मुताबिक 5 जून को इलाके में गंदी बदबू फैलने पर पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया और 3 से 4 दिन की तलाश के बाद पुलिस ने खोपड़ी समेत दीगर इंसानी अज़ा बरामद कर लिए। बाद अज़ा पुलिस ने इलाका मकीनों से तफ्तीश और घर घर जाकर तस्दीक की जिसके नतीजे में अज़ा की शिनाख्त कर ली गई।